अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के करम से आप लोग ठीक होंगे। मैं चेयरमैन आल पाकिस्तान इत्तेहाद गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन कराची रैस मोहम्मद शाहबाज बात कर रहा हूं। मेरी आज हुकूमत वक्त से एक अपील है और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से भी डिस्कस करनी है और हुकूमत से अपील भी करनी है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मुल्की हालात कैसे बने हुए हैं ट्रांसपोर्टरों के हवाले से, तो मेरा मौजू जो है वो इस बात पे है जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। एक अपोजिशन जमात ने हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करने का जब ऐलान किया तो उसी दिन से पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया गया। जहां पे पकड़ने का हुक्म नहीं था पुलिस ने वहां भी बेदर्दी से गाड़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया और गाड़ियों वालों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। गाड़ियां पकड़ने के बाद उनसे रिश्वत ली जाती है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। एहतजाज हर पाकिस्तानी हर मुल्क में होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है वो हर मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान में भी ट्रांसपोर्ट की एक बहुत बड़ी अहमियत है और जब भी लॉन्ग मार्च हो, जब भी हुकूमत और अपोजिशन का कोई मसला हो तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स को ही निशाना बनाया जाता है। तीन चार दिन से गाड़ियां मुख्तलिफ जगहों पर रुकी हुई हैं जिनमें बहुत ही कीमती सामान लोड किया हुआ है गाड़ी वालों ने, और इसके अलावा खाने पीने की अशिया भी लोड है उनमें। अगर मज़ीद ये गाड़ियां इसी तरीके से रुकी रही तो खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को और व्यापारियों को योमिया करोड़ों रुपया नुकसान होगा। मेरी अपील है हुकूमत वक्त से, हुक्मरान से, जितने भी हमारे इस टाइम लीडर्स हैं सबसे, कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ रुकी हुई हैं उनको रिलीज़ कराया जाए ताकि वो खुश सलूबी से अपना सामान की तफसील को हिफाजत पहुंचा सकें। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि वो नोटिस लें, पुलिस को यह हदायत जारी करें कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी गाड़ियों को नजायज़ रोका हुआ है उनको छोड़ा जाए ताकि वो सप्लाई को बहाल किया जाए। इस टाइम ट्रांसपोर्टर बिरादरी पहले भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है और इस वक्त जो मुल्की हालात बने हुए हैं इसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रांसपोर्ट बिरादरी को हो रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस मसले को, हमारे ट्रांसपोर्ट मसले को अपील समझ के हल किया जाए। खुदा हाफिज़।